एक्सरसाइज 14 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18. तो स्टार्ट करते हैं, हम टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. मैं क्या करती हूँ, मैंने ये दो टर्म्स कंबाइन कर ली और 3x को ऐसे ही रहने दिया, साइन 3x को. अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला लिख लेती हूँ. किसके बराबर होता है, ये हमने 10th चैप्टर में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी. अब हम क्या करते हैं, p यहाँ पे x है और q मेरे पास 5x है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. तो क्या आ जाएगा, मैंने वैल्यूज प्लग कर दी, तो ये क्या आ जाएगा, अब मेरी दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन 3x को कॉमन ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिख लेते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 3x इक्वल टू 0, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू साइन इनवर्स 0. प्रिंसिपल डोमेन में रहते हुए बात करें तो 0 और पाई आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, 3x क्या आ जाएगा, 0 प्लस एन पाई यानी 2n पाई आ जाएगा, और इसी तरह 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2n पाई. तो x के लिए सॉल्व कर ले तो ये क्या आ जाएगा, 2n पाई बाय 3, और इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 प्लस 2n पाई बाय 3. तो ये दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास. तीसरे बाकी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं. यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू -1/2. तो हम क्या करते हैं, 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 ले लेते हैं. माइनस हमने नहीं लेना क्योंकि माइनस हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे. तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x की. तो अगर हम cos इनवर्स 1/2 चेक कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 के बराबर. यहाँ से आ गया. अब मैं देख लेती हूँ cos कहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हम लिख लेते हैं cos इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूँ तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 3. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2π/3 और ये आएगा 4π/3. तो हम 2x के लिए लिख लेते हैं, साथ पीरियड भी ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2π/3 प्लस 2n पाई. इसी तरह हम लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 4π/3 प्लस 2n पाई, और यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 3 प्लस n पाई, और यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लें तो 2 से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, पाई बाय, यहाँ पे अगर 6 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2π/3, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस n पाई. तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गए, इनको हम बॉक्स में लिख लेते हैं. अब हमने ये सारी वैल्यूज़ x की निकाल ली हैं, हम क्या करते हैं, इनको जनरल सोल्यूशन में लिख लेते हैं. तो सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, उसको लिख लेते हैं. 2n π/3 यूनियन पाई बाय 3 प्लस 2n π/3 यूनियन पाई बाय 3 प्लस n π यूनियन 2π/3 प्लस n π वेयर n बिलोंग्स टू z. होप सो आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना समझ आया होगा. थैंक यू.